कहावत है ना बंगाली में, जो भी तेरे रास्ते में क्यों ना आके तब एक लगता मुझे। दो दिन से कह रही है चल मुझे घुमा के ले आ, मुझे घुमा के ले आ, लेकिन कोई लाया नहीं। ये मैं खुद अकेली आती घूमने। और मैं अभी बिलहमपुर आई हूँ, बहुत ही अच्छा एकदम मतलब नेचुरल प्लेस पर आपको आप लोगों को लेकर चलेंगे। मोती जी और काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को मेरे साथ चलिए। मैं अकेली आई हूँ किसी के साथ नहीं, क्योंकि बड़े भाई को बोल बोल के मैं थक गई और मैं अकेली जाऊँगी। हम आ गए, ये है मोती झील, दिखा रही हूँ सीनरी आप लोगों को। इतना ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा भीड़ है क्या बताऊँ, मतलब पैर रखने के लिए थोड़ा सा भी जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और गर्मी भी काफ़ी है, तो बस छाँव ढूंढ रही हूँ, थोड़ी बहुत छाँव मिल जाए बैठ जाऊँगी, है ना। अकेले घूमने की ना मज़ा ही अलग है, सब जोड़े में घूम रहे और मैं अकेली। अब थोड़ा घुमाएंगे आप लोगों को, फिर घर वापस जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा धूप है, इतना ज़्यादा गर्मी है, क्या बताएं, हवा भी नहीं चल रही और मेरी तो हालत ख़राब हो गई। रुको मैं सीनरी दिखा रही हूँ आप लोगों को। मैंने सोचा था आज भीड़ नहीं होगा, लेकिन पार्क में आने के बाद पता चला बाप रे बाप, दुनिया में कितने सारे लोग हैं ना। बस दो चार रील्स बनाएंगे, किसी को बोलेंगे कि थोड़ा रील्स बना दो, अगर है लोग बनाते बनाते जा रहे हैं। मैं थोड़ा चॉकलेट खा लूँ। चॉकलेट अच्छा नहीं है। मैं चॉकलेट खा रही थी और यहाँ पे किसी ने आँख मर के चला गया। आप सोचिए हसीना आएगी तो और क्या आएगी। बैठ बैठ के थक गई। अब सिस्टर मिली, उसको मैंने कहा कि आप मेरा फ़ोन पकड़ लो, इन्होंने फ़ोन पकड़ लिया। अब आप लोगों को पूरा पार्क घुमा के दिखाऊंगी, ठीक है। ये जो पार्क है ना मोती झील, ये एक मुर्शिदाबाद की काफ़ी बड़ी, सबसे बड़ी पार्क है। और इस पार्क का जो नाम है मोती झील, झील मतलब समझते हो ना, हाँ, तो वही जो पार्क है ना वो एकदम मिडिल में है और चारों तरफ से बहुत बड़ी एक झील है, तो इसीलिए इसका नाम मोती झील है। और बहुत सारे लोग वेस्ट बंगाल का, इवन मुर्शिदाबाद के जो आसपास जितने सारे लोग हैं, मतलब हर रोज़ आते रहते हैं। ये बहुत वेस्ट बंगाल का बहुत ही फेमस पार्क है मोती झील, जो शायद मे भी और मुझे इनकी गाना सुन के ना बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी, तो मैं पानी पी रही हूँ। और यहाँ पर देखिए किसी ने आम खा के ना पेड़ पर ही छोड़ दिया। और ये जो एक पेड़ है, मतलब फ्लावर्स है, लेकिन दिखने में काफ़ी अच्छी है, लेकिन स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है एकदम, पता नहीं क्या नाम है इसका। थक गई मैं, इसलिए पेड़ के छांव में बैठ गई। मैं एक सॉन्ग सुनाऊंगी, लेकिन एक शर्त है, आप लोग ना आँख कान बंद कर लीजिए, ठीक है, आराम से सुनिए। इतनी मोहब्बत करो ना मैं डूब न जाऊँ कहीं, वापस किनारे पे आना मैं भूल न जाऊँ कहीं, देखा जब से है चेहरा तेरा मैं तो हम
हफ्तों से सोया नहीं। अभी टाइम 3 बजने वाला है, पता है ना, घर पे बिना बताए आ गई। मैंने कहा कि कॉलेज जाऊंगी, इसीलिए अभी मुझे फिलहाल घर जाना है और घर के लिए निकलूंगी। चीज क्या हो रहा है? पुतुल डॉल इसका माशाल्लाह, देखिए कितनी अच्छी है ना, सो स्वीट कपल। काश मेरा भी ऐसा होता और कोई मेरे ऐसे वीडियो बना देते। हाय, अब आइसक्रीम खाएंगे। जैसे कि आप सबको पता है, मैं घर पे बिना बताए आ गई थी, मतलब मैं कॉलेज आई थी। कॉलेज आने के बाद कॉलेज ना जाके यहाँ पर आ गई, तो मुझे कहीं ना कहीं डर था कि घर पे पता चल जाए, कोई देख ले, फिर मेरी पिटाई हो जाएगी। हालांकि अम्मी मेरे पास नहीं है, फिर भी उनको सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कब मैं घर पहुँचूँ, तो मैं बहुत जल्दबाजी में थी और मेरे पास कोई कैमरामैन भी नहीं था। तो मैं आप लोगों को ना मोती झील का जो अच्छे अच्छे जो चीज़ था मैं दिखा नहीं पाई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना, तो पक्का आप लोगों को बहुत अच्छे से घुमा के पूरा पार्क दिखाएंगे और बहुत ही मज़ा आएगा उस टाइम। और मुझे पता है आज का ब्लॉग काफ़ी मतलब अच्छा था, पर उतना भी नहीं, पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।